क्लास हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने वन डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी को कैलकुलेट किया जो हमारे पास जीरो पॉइंट एनर्जी के नाम से हमने निकाली थी फॉर द लोएस्ट और एन वैल्यू, एन की वैल्यू वन पुट करके. अब अभी तक हमने एक फैक्टर तो निकाल लिया श्रोडिंगर इक्वेशन का इन द बॉक्स, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, लेकिन अभी तक हमने वेव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की. तो अभी वेव फंक्शन की वैल्यू हमारे पास रहती है जो हमने कैलकुलेट करनी है. अब वेव फंक्शन में आपके पास इक्वेशन नंबर फोर के नाम से आई थी, वेव फंक्शन इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स. हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पूरा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारे पास फैक्टर आया. हमने उसमें बी की वैल्यू तो फाइंड कर ली, लेकिन ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें पता है ए की वैल्यू जीरो भी नहीं है. तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस. ठीक, हम इस इक्वेशन को नॉर्मलाइज्ड करते हैं. नॉर्मलाइज्ड का मतलब होता है कि हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन को इक्वल टू वन पुट करते हैं. अगर इंटीग्रेशन इक्वल टू वन पुट करें उसे कहते हैं नॉर्मलाइज्ड, अगर इक्वल टू ज़ीरो पुट करें उसे कहते हैं ऑर्थोगोनल. लेकिन इस वक्त जब आपने ए की वैल्यू निकालनी है तो हम हमेशा उसमें क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं. अब नॉर्मलाइजेशन के लिए आप इंटीग्रेशन लगाओगे. ठीक, इंटीग्रेशन के साथ आपके लिए वर्ड एक लिखा हुआ आ रहा है, साई के ऊपर स्केयर है. ये जो साई के ऊपर स्केयर आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब हमने एनर्जी तो फाइंड कर ली, उसने ये भी बता दिया पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स है, लेकिन हमने ये कंफर्म करना है उसकी वेव नेचर कैसी है, उसमें वेव अमाउंट क्या है, उसकी वेवनेस की प्रॉपर्टी क्या है. ठीक है, हमने वो तो स्टडी करनी है ना. तो इसका मतलब हमारे पास अभी भी प्रोबेबिलिटी का वर्ड जो है वो कंफर्मेशन के लिए हमने रखा हुआ है. हमने सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट की कि पार्टिकल अगर अंदर है तो उसकी एनर्जी ये होगी, लेकिन वेव फंक्शन से हम ये कंफर्म करें कि हाँ वाकई में पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही पाया जाएगा, आउटसाइड द बॉक्स में. तो इसमें हम यूज़ करते हैं एक टर्म, वेव फंक्शन को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं. प्रोबेबिलिटी मतलब जो उसकी चांसेस ऑफ अकरेंस हैं, वो कुछ एरिया के अंदर फैला हुआ होगा उसको dx. ठीक है, तो वेव फंक्शन को dx से मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेव फंक्शन. तो दो वेव आ गई तो वेव स्केयर बन गया. तो इन शॉर्ट आपने वेव फंक्शन का स्केयर करना है. जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो सारा डेरिवेटिव उसका आता है. हम x के लिहाज से डेरिवेट करेंगे, x हमारे पास x से, अगर y होगा तो y के लिहाज, z तो z के लिहाज से, इट इज़ इक्वल टू वन. इट इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन. पेपर में ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव द नॉर्मलाइज्ड वेव इक्वेशन फॉर द वन डी बॉक्स. तो आपको सिर्फ यहीं से इक्वेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है, पीछे से करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक, अब इस इक्वेशन में हम कुछ वैल्यूज़ को पुट आउट करते हैं. वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास थी ए साइन लैम्डा एक्स होल स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू वन. ठीक, ये आपके पास इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो लैम्डा का वर्ड है इसे हम थोड़ा सा मिट करेंगे. ओमिट इसलिए करेंगे, यहाँ पे हम पाई का फैक्टर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ताकि आगे जाके हमारी इक्वेशन बड़ी सिंपल सी हो जाए. तो लैम्डा की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी पीछे भी, वो थी ए लैम्डा इज इक्वल टू एन पाई. अब इस इक्वेशन में हम लैम्डा की वैल्यू को थोड़ा सा मूव करते हैं, ए को इस तरफ ले गए थे, तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू होगी एन पाई ए. ये वो इक्वेशन है जो वहाँ पे हमने प्रूव की थी कि आपके पास किस किस वैल्यू पे जाके साइन जीरो बनता है. ठीक, तो यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे एन पाई ए से. ये सारी चीज़ें जो एंगल के अंदर आ रही हैं. ठीक, तो अब हमने स्केयर को ओपन करना है. जब स्केयर को ओपन करेंगे तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब स्केयर खुलता है किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर, एक तो इसके ऊपर स्केयर आना ही आना ए के साथ. जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चीज़ खुलती है तो सिर्फ जो एंगल होता है उससे पहले स्केयर आता है, एंगल को हम स्केयर नहीं करते. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपके पास लिखा हुआ है साइन के ऊपर लिखा हुआ है साइन 20. ठीक, और मैंने उसको कह दिया आपके पास इसका स्केयर है. अब अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा तो आप तो बोलोगे साइन 40 हो जाना चाहिए इसे. ठीक, तो लेकिन ये आंसर जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर बिल्कुल इससे गलत आएगा. साइन स्केयर 40 इज़ रॉन्ग टर्म. तो इसलिए हम कहते हैं जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे एंगल के स्केयर आ जाए तो एंगल के ऊपर हमें स्केयर नहीं करना होता, एंगल से पहले हम स्केयर लिख देते हैं. तो यही चीज़ आपके सामने स्क्रीन पे हुई हुई है, ए स्केयर साइन स्केयर एन पाई एक्स ए और साथ डी एक्स का फैक्टर आ गया, वो साथ इक्वल टू वन लिखा हुआ. ठीक, जैसे इंटीग्रेशन जो है या डेरिवेशन जो है आगे अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल टर्म पड़ी हो तो उस पर नहीं लगती, तो सेम इंटीग्रेशन भी कांस्टेंट पे नहीं अप्लाई होती, तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे नेक्स्ट स्टेप में उसे सेपरेट कर लूँगी. ए स्केयर बाहर आ गया, साई स्केयर एन पाई एक्स ओवर ए डी एक्स अब अंदर रह गया.
ठीक। अब मुझे इसका बिल्कुल भी फॉर्मूला, साइन का तो मुझे फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, लेकिन साइन स्क्वेयर का नहीं पता। इसके लिए हम इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल होगा और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos 2 थीटा। ये 2 एंगल के साथ है, एंगल को डबल ये कर रहा है, ये पावर में नहीं है। ये साइन स्केयर थीटा का फॉर्मूला है। आप ये कह सकते हो जैसे आप काइनेटिक्स में उसे डेरिवेट को सिंपल करते थे पार्शियल फ्रैक्शन में, इसको भी हमने थोड़ा सा पार्शियली सेपरेट कर लिया ताकि इंटीग्रेशन करना पर हमारे लिए आसान हो जाए। हम अभी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं की, हमने सिर्फ इसकी जगह पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है इसकी। ठीक, अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/2 1 माइनस cos। हमने इंटीग्रेशन अभी अप्लाई नहीं की तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2। 2 आपके पास किसका आया है, फॉर्मूले का। थीटा क्या था इस क्वेश्चन में, n π x/a, वो चीज़ वैसे आ गई। अब इस चीज़ को बिल्कुल डेरिवेटिव से कंफ्यूज नहीं करना कि एंगल का डेरिवेटिव ले लें, बिल्कुल नहीं। हमने सिर्फ इस फॉर्मूले को अभी सिर्फ ओपन किया है, इस साइन स्केयर n π x/a को ओपन किया। ठीक, तो जब इसे ओपन किया तो ये हमारे पास कंडीशन ये आ गई। अभी भी हमारे पास कुछ कांस्टेंट हमारी 1/2, इसके ऊपर भी कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन नहीं लगनी, इसको बाहर निकाल देंगे ताकि हमें जितनी सिंपल इक्वेशन हो जाए उतना आसान है। अब आप देखो आपके सामने जो इक्वेशन आ रही है, इट इज़ टू सिंपल। अगर पता है इंटीग्रेशन अगर प्लस माइनस में हो तो हम उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो सेम यही करेंगे। हम एक बड़ी सी ब्रैकेट बाहर लगाएंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है a2/2 का, कि ये 1 के साथ भी है, ये इसके साथ भी है। ठीक, तो हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, हम 1 पे इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, माइनस को बाहर रखा, कोस को अंदर रखा, 2n π x dx आ गई, यानी और ब्रैकेट क्लोज की। ये 2 फैक्टर की इंटीग्रेशन सेपरेट करना हमारे लिए आसान है। क्लियर, उसके बाद हमारे पास टर्म आती है 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर, वो क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होती है, x होती है। क्लियर, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। लेकिन उसका उल्ट हम देखेंगे यहाँ पे, यानी जिसका डेरिवेटिव एक्स के 1 आता था, अब वो किसका आता था, वो हमने एक्स रख दिया। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे 1 के साथ dy लिखा होता तो आप नीचे कह देते y आ रहा है। जो डेरिवेटिव यहाँ पे पढ़ा होगा आपने, जो पहले काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ था, आप सिंपल वो याद रख लो। इस d ने इस इंटीग्रेशन को कैंसिल कर दिया, आपके सामने x आ गया, सेम जैसे हम काइनेटिक्स में स्टडी करते। अब उसके पास हमारे पास टर्म आ रही है cos थीटा। ठीक है, अब हमारे पास को इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के रूल्स थोड़े से उल्ट होते हैं। क्लियर, जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में पढ़ा था वो हमने डेरिवेटिव निकाले थे, उसमें हमने इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई की थी, लेकिन उसके रूल्स में थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पे हम कहते थे कि कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, जबकि इंटीग्रेशन कहता है नहीं, कोस का डेरिवेटिव सिर्फ साइन होता है, उसने माइनस साइन नहीं लगाना। वो ये कहता है बस कि आपने ए एक्स का क्या लेना है, आप जैसे वहाँ पे फाइंड आउट करते थे, आप कहते थे कोस का डेरिवेटिव लेना है, कोस कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोस 2x, मैं कहती हूँ उसका डेरिवेटिव लो। आप फॉरन बोलोगे कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। जब इसका डेरिवेटिव लिया तो d/dx आया, एक दफ़ा तो आ गया इसके टोटल पे, तो ये लिखा जाएगा साइन 2x। लेकिन अभी जो अगर एंगल है उसका भी तो डेरिवेटिव लेना है, तो एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक, एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 2x, और हमें पता है ये आंसर क्या सॉल्व हो के आना था, साइन माइनस के साथ, और साथ क्या आना था, 2x वैसे ही, और यहाँ पे क्या हो जाना था, साथ 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि x का डेरिवेटिव dx से कट गया, पीछे क्या फैक्टर रह गया, 2, तो उस 2 को मैं पहले लिख सकती हूँ यहाँ पे। क्लियर, इसका मतलब आप डेरिवेटिव में जो चीज़ मल्टीप्लाई करते थे इंटीग्रेशन में, उस चीज़ से क्या करना होता है, हमने डिवाइड करना होता है, यानी जो डेरिवेटिव आएगा उसको उससे डिवाइड करेंगे। दूसरा, अगर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है तो यहाँ पे कोस का डेरिवेटिव पॉजिटिव साइन होगा, तो इंटीग्रेशन में कोस ए एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम जब लेते हैं तो हम कहते हैं 1/a sin ax। हर चीज़ उल्ट होती है उससे, जो चीज़ डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होती है इंटीग्रेशन में डिवाइड होती है। तो अगर हम ए एक्स का डेरिवेटिव लें तो जो आंसर आएगा उसे 1/a कर देंगे। क्लियर, तो यही चीज़ आपके पास इस क्वेश्चन में की गई है। इस कोस पे आपने पहले डेरिवेटिव लगाया, सॉरी इंटीग्रेशन अप्लाई की, कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2n π x a। नेक्स्ट स्टेप आपके पास 1/ जो चीज़ आपके पास एंगल में लिखी है उसका डेरिवेटिव। ठीक, तो x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/ क्या फैक्टर आएगा, 2n π/a। तो हमें ये भी पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो वो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है टॉप पे।
तो जब टॉप पे जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन थोड़ी सी और सिंपल हो जाएगी। तो इक्वेशन सिंपल जो आपके सामने आएगी वो थोड़ी सी हम आपके सामने लिखते हैं, वो आ जाएगी ए टू ओवर टू ठीक एक्स माइनस ए ओवर टू एन पाई साइन टू एन पाई एक्स ए। अब यहाँ पे गलती नहीं करनी, ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एडिशन नहीं हो रही, ये इसी की जो डेरिवेटिव था उसको मैंने अरेंज करके पहले लिख दिया और सारी इक्वेशन इक्वल टू वन के बराबर आ रही है। अब यहाँ तक इक्वेशन फाइंड कर ली, लेकिन अभी भी क्या इस इक्वेशन से मैं ए की वैल्यू निकाल सकती हूँ? नहीं, बहुत बड़ी इक्वेशन है, मुझे निकालना बहुत डिफिकल्ट है, मुझे इसे अभी सिंपल करना है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट्स। अब लिमिट्स क्या हैं? आपके जो बॉक्स की लेंथ थी जो हमने क्या सोर्स की थी, एक्स कहाँ से शुरू किया था, ज़ीरो से, और एक्स की वैल्यू कहाँ पर जाकर स्टॉप की थी, ए पे, जिसका मतलब इसकी लिमिट्स क्या होगी, ज़ीरो टू ए। आपने जो वैल्यू यहाँ पे रखी ए बी सी डी जो आप चूज़ करें भी लिख सकते हो ठीक, लेकिन पूरी क्वेश्चन में थॉरली वही चीज़ चलती रहे। अब लिमिट्स अप्लाई करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक। अपर लिमिट पहले लिखते हैं और लोअर लिमिट को बाद में करते हैं। तो अब लिमिट्स को हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पूरे फैक्टर में पहले हम क्या लगाएंगे, अपर लिमिट, फिर इस पूरे फैक्टर में लगाएंगे लोअर लिमिट और पीछे माइनस का साइन ठीक। तो पहले क्या ये फैक्टर भी तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए टू ओवर टू ठीक। अगर आपने ब्रैकेट नहीं ओपन करनी है जैसे मर्जी कर लो, जो आसानी मैंने इसे साथ साथ कर दिया, ए टू ओवर टू एक्स की जगह पे जब लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो जो वेरिएबल टर्म होते हैं ना उसमें करते हैं, तो एक्स जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे ए पुट कर देना। तो जहाँ जहाँ मेरे पास एक्स आ रहा था, चाहे वो एंगल में आया जहाँ भी आया, मैंने उसकी जगह पे पुट कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। देन माइनस लोअर लिमिट, लोअर मेरे पास क्या है, ज़ीरो, जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू है आ रही है वो आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में देखो ये फैक्टर तो हो गया ज़ीरो, साइन के अंदर एंगल में ज़ीरो आ रहा है, अगर एंगल में ज़ीरो आ रहा है तो ये फैक्टर पूरा क्या बन जाएगा, ज़ीरो। और साइन ज़ीरो का आंसर क्या होता है हमारे पास, अगर ये ज़ीरो है तो ये टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा, साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो का आंसर क्या होता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो जब किसी से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो उसका तो लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म, ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो बन जाएगा, हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारा सारा फैक्टर क्या रहेगा, सिर्फ ये। लेकिन अभी भी देखो इसके एंगल में कटिंग पॉसिबल है। अब ये नहीं करना कि एंगल की चीज़ को साइड वाले से काट दो, ये जो पूरा एंगल होगा अगर इसके ऊपर नीचे को कटिंग पॉसिबल है उसको हम काटेंगे, इस ए को इस ए से, क्लियर, हम इस ए को इससे नहीं काट सकते, ये तो आउटसाइड द एंगल आ रही वैल्यू, विद इन द सेम रेंज जो चीज़ आएगी उसको हम कट आउट कर सकते हैं ठीक। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो सिंपल सी क्या बन जाएगी, फाइंड आउट करके यहाँ पे a माइनस ए टू एन पाई साइन टू एन पाई ठीक। अब इस टू एन पाई को भी sin पाई से नहीं काट देना, आंसर गलत आएगा, ये एंगल है ये आपके पास जिसका डेरिवेटिव आया हुआ था इज इक्वल टू वन। दूसरा, अब हमने जो चीज़ फाइंड की थी ये टू पाई, अगर हम इसे थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं तो मैं इसे ये कह सकती हूँ, ये आपके पास जो साइन, ये जो आपके पास साइन 2n पाई की वैल्यू जो आ रही है, मैं यहाँ पर पाई सिंबल नहीं, मैं पाई लिख दिया है, ये बेसिकली अगर इसे थोड़ा सा खोल के लिखें तो ये बनेगा साइन, आपके पास आएगा 2 जो आपके पास है उसको सेपरेट लिखते हैं, n 2 पाई कह दो या n की वैल्यू 2 पाई कह दो जो भी आप चाह रहे हो। तो ये बेसिकली 2n पाई, इसका मतलब है n की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई है। तो बेसिकली ये क्या होगा, अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 इंटीग्रल में आ जाती है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, ये जो आपके पास वैल्यू आएगी ये इंटीग्रल में अगर चली जाए तो आपके पास ये टर्म जब जब n के साथ पाई आएगा और n की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो हम ये कह देते हैं ये इंटीग्रल मल्टीपल है n का, 2 पाई जो है उसकी जगह पर हम पुट कर सकते हैं इस फैक्टर की जगह पर 0। इंटीग्रल का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 ठीक। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को ज़ीरो पुट करते हैं तो a माइनस ज़ीरो खाली a आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू को कैलकुलेट करना a की, कैपिटल a की, आसान हो जाएगा। अब मेरे दो a आ गए, एक कैपिटल एक स्मॉल है, कैपिटल a इज़ द कांस्टेंट और ये जो a है मेरे पास स्मॉल है, इट इज़ द लेंथ है, वो डिस्टेंस चेंज है जो उस पार्टिकल ने ट्रेवल करना है बॉक्स की बाउंड्री में, इक्वल टू वन है, ए को सेपरेट करना है कैपिटल ए को, 2 डिवाइड और उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 वन्स 2 आ गया। हमने ए को भी अकेला करना है, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। नेक्स्ट स्टेप में स्केयर को ख़त्म करना है, बोथ साइड पे स्केयर रूट ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2 ए। इसका मतलब
आपके पास ये कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है इस ए पे, जितनी उसकी लेंथ होगी उस पे। तो आपने जो इक्वेशन स्टार्ट की थी जहाँ से, जिसको लेके हम चले थे नॉर्मलाइज करते हुए, आप उसकी जगह वैल्यू को पुट कर दो। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन की वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई फॉर 1D बॉक्स, एक डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल मौजूद है उसकी एनर्जी भी कैलकुलेट हमने कर ली प्रीवियस लेक्चर में, और अब वेव फंक्शन की वैल्यू भी निकाल ली। क्लियर? ठीक है, तो अगर वेव फंक्शन की वैल्यू निकाल ली है तो हम इसका ना कुछ स्केयरिंग कर देते हैं, हम इसे वेव फंक्शन का स्केयर बना देते हैं। तो ये वैल्यू आएगी 2/a sin 2n πx/a। क्लियर? तो आपको एक चीज़ पता है, अगर कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, एक आपके पास आंसर है -1, मैं कहती हूँ उसका स्केयर करो, आप बोलोगे -1 का स्केयर करना है, स्केयर करने से आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मैं आपसे कहती हूँ एक वैल्यू -3, इसका स्केयर करो, आप बोलोगे इसका स्केयर होता है 9। ठीक, इसका मतलब जब जब टर्म्स का स्केयर करते हैं वो क्या हो जाते हैं? आंसर पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अगर यही चीज़ को हम थोड़ा सा ग्राफ में अप्लाई करें, क्योंकि हम ग्राफ कौन से स्टडी करें, साइनोसाइडल का, तो ये आपके पास ग्राफ लाजमी आपको आने चाहिए। ग्राफ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास वेव और वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन है। ठीक, अगर मैं कहती हूँ वेव की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, ठीक, -1 आ रही है आपके पास, सपोज -1 है, तो आपके पास जितने भी स्केयर में आंसर हो जाएंगे वो पॉजिटिव होते जाएंगे। अब इन दोनों ग्राफ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा एन की वैल्यू 2। अब एक चीज़ का ख्याल ये रखना है, ये जो आपके पास 0 से a लेंथ है, ये तो बॉक्स की बार बार तो नहीं बदल लेना, ये सारी जो आपके पास एन की वैल्यूज आएंगी ये इसी बॉक्स के अंदर आएंगी। ठीक, तो जो वैल्यू फिक्स आपने एक दफ़ा रख दी वो वही रहेगी, इस वैल्यू के अंदर ही आपके पास वैल्यूज ग्राफ की आएंगी। अगर एन की वैल्यू 1 है तो आपके पास एक नोड आती है, ये नोड है आपके पास। एन की वैल्यू 2 है तो आपके पास 2 आपके पास मिड पॉइंट आ रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एन की वैल्यू 3 है तो आपके पास देखो 1, 2, 3 एरियाज कवर हो रहे हैं। एन की वैल्यू 4 सो ऑन। तो आप आपके पास देखो, सपोज एन की वैल्यू 3 है, एक दफा पॉजिटिव में नेगेटिव पॉजिटिव, इससे सो ऑन, पॉजिटिव नेगेटिव पैटर्न चलेगा। लेकिन जब हम इसका वैल्यू का स्केयर कर दें, गामा का स्केयर, वेव फंक्शन का स्केयर कर दें, तो हर वैल्यू क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। एक तो जो पॉजिटिव है वो तो पहले रहेगी पॉजिटिव ही, ठीक, जो नेगेटिव वो भी क्या हो जाएगी फिर? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रही, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपके पास हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देती है, चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो पहले। ठीक, तो ये वैल्यूज आपके सामने आती हैं। तो ये बेसिकली आपके पास जो पॉइंट्स बनते हैं जहाँ पे इसकी वैल्यू देखो मिनिमम है, 0 है, इनको हम कहते हैं नोड्स। ये नोड्स आपके पास कहलाते हैं द वेयर द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन स्केयर या वेव फंक्शन, जहाँ पे इनकी वैल्यू 0 होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास वो टर्म क्या होती है? नोड कहलाती है। तो यहाँ पे आपके पास नोड्स उतने ही होते हैं जितना नंबर आपके पास होता है, और जैसे जैसे नोड्स भरेंगे वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती है, जितना ऊपर की तरफ जाओगे एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर? तो इस सारी स्टडी से हमारे पास कुछ पॉइंट्स, हमारे पास फीचर्स आते हैं जो हम नेक्स्ट अभी वीडियो में स्टडी करेंगे।